नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बागमती न्यूज इंडिया चैनल पर। मैं हूं दिनेश सहनी, आजाद गांधी। आज आसपास की खबरों में बता दूं, मेरे गांव बल्हापुरा नानकार हाई स्कूल के दो बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए, मुकेश कुमार सहनी और रानी कुमारी राय। यह खुशखबरी टारगेट कोचिंग सेंटर के संचालक श्री राहुल कुमार ने दिए। वे खुश हैं कि ये दोनों मेरे कोचिंग में पढ़ते थे। वैसे सच्चाई भी है कि राहुल सर के होने से हमारे गांव आसपास में शिक्षा के परिणाम अच्छे मिल रहे हैं। मेरा तो सरकार से अनुरोध है कि राहुल जैसे युवाओं को सरकारी सहयोग मिलना चाहिए। अब बात करते हैं राजनीतिक खबरों की। मुजफ्फरपुर में महागठबंधन और राजग दोनों का कार्यक्रम था। मैं जैसे ही महागठबंधन के कार्यक्रम में कवरेज के लिए गया, कुछ युवा बागमती न्यूज का प्रशंसक थे जो मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुजफ्फरपुर बोचहा प्रखंड के गढ़हा चौक के पास हुए महागठबंधन के जिला स्तरीय कार्यक्रम में काफ़ी भीड़ देखने को मिला। भीड़ का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि NH-57 पर बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल और चौपहिया वाहनें खड़ी थी। लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रहे थे। वैशाली से महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर रघुवंश प्रसाद जल्दी से भाषण देकर निकल गए। उनका कहना हुआ, संविधान बचाओ के लिए वोट करें। सकरा विधायक लाल बाबू राम ने भी मोदी सरकार को घेरा। राजद युवा नेता चंदन यादव, भीम आर्मी के मुकेश पासवान, रालोसपा के प्रभु कुशवाहा बबलू कुशवाहा, कांग्रेस नेता सूरज दास जो कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। गायघाट से महागठबंधन नेता निरंजन राय ने वादा किया कि हमारे यहाँ विधानसभा से सबसे ज़्यादा वोट डॉक्टर राजभूषण चौधरी को मिलेगा। VIP सुप्रीमो सनप मल्ला ने कहा कि मुजफ्फरपुर में कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जरूरी है, अजय निषाद मजबूरी है। अंदाज़ा इसी से लगता है कि उनकी अहमियत क्या है। मुकेश सहनी ने कहा कि खगड़िया से सांसद बनने के बाद मुझे जो तनख्वाह मिलेगा वो सब वहाँ के गरीबों पर खर्च करूँगा। हालाँकि ऐसा पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीता रंजन पहले से कर रहे हैं। आप सभी को जानकारी के लिए कहा हूँ। कार्यक्रम की मॉनिटरिंग VIP जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सहनी कर रहे थे। सहयोग में रामश्रेष्ठ सहनी, वकील सहनी, संजीत सहनी, राजकुमार सहनी, लाल बाबू सहनी, भोगेंद्र सहनी, पुकार सहनी, परशुराम सहनी, दीपक निषाद, मुकेश निषाद, धीरज सहनी इत्यादि कर रहे थे। अजय निषाद का नामांकन 10 अप्रैल को होगा। ठीक उसी दिन आशुतोष शाही का भी नामांकन होगा। जदयू नेता नीरज चौधरी स्वयं चुनाव लड़ना चाहते थे, अब वे आशुतोष शाही का समर्थन करेंगे। नीरज चौधरी ने बताया कि तीसरे मोर्चा ही विकल्प है। दोनों बाहरी को हराकर मुजफ्फरपुर का लाल आशुतोष शाही ही विजय होंगे। वहीं निषाद संघर्ष मोर्चा के प्रवक्ता प्रोफेसर लाल बाबू सहनी, तेज नारायण सहनी, रंजीत सहनी अजय निषाद के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। गायघाट निषाद संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष मनोज कुमार सहनी ने कहा कि हमारा समर्थन VIP को होगा। 15 अप्रैल को डॉक्टर राजभूषण चौधरी का नामांकन है और 16 अप्रैल को डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का। आप देख सकते हैं कुछ दृश्य महागठबंधन के कार्यक्रम का। आप लोगों से अनुरोध है, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों को भी बताए। से आए हुए हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ता, आज भी हमारे महागठबंधन के बड़े सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल है और उन्हीं के देखरेख में बिहार के 40 लोकसभा सीट पे चुनाव हो रहा है। साथियों, 40 लोकसभा सीट पे चुनाव हो रहा है। आज मुजफ्फरपुर में भी यहाँ पे भले VIP पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद जी हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमारा बड़ा भाई जो होगा वो राष्ट्रीय जनता दल होगा। उन्हीं के देख रेख में हमारे पार्टी का चुनाव होगा। आपके बीच में एक बड़ी चुनौती है, हमारी नई पार्टी है, उनका चुनाव चिन्ह जो है
वो राम साहब है, वो राम साहब बिहार में या मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में बहुत कम लोगों को पता है। लालटेन साहब तो सबको पता है, सर दर्द पता है, कांग्रेस का हाथ साहब हर किसी को पता है, मांझी जी के टेलीफोन पता है, उपेंद्र कुशवाहा जी का पंखा के बारे में पता है, लेकिन हमारे नाव साहब के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। साथियों, तो आपके बीच में एक चुनौती है कि हर घर हर बूथ पे हर घर में हर चौक चौराहे पे आपको अपना चुनाव चिन्ह का प्रचार करना पड़ेगा, तब जाके आपका कैंडिडेट का यहाँ पे जीत सुनिश्चित होगा। और आप लोग अगर जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आज जिस तरीके से आप लोगों ने कार्यक्रम यहाँ पे तैयारी किया, निश्चित तौर पे आपका जीत सुनिश्चित है। और 15 तारीख को आपका नॉमिनेशन है, 15 तारीख को आप ऐसा रिजल्ट लाइए, हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसको जाएंगे और 11 बजे में सभा होगा, सभा को संबोधित करने के बाद हमारे नॉमिनेशन का प्रक्रिया होगा और उस समय में आपको 4 से ज्यादा संख्या में अभी से आप निमंत्रण मानना चालू कर रहे हैं और पूरे तमाम कार्यकर्तागण को और मुजफ्फरपुर लोकसभा के मतदाताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बैठक को अपनी अपार उपस्थिति से बहुत ही भव्य कर दिया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मुजफ्फरपुर की समस्याओं को आप कैसे सुलझा देंगे, आप पे विश्वास कैसे किया जा सकता है, ये बताइए। देखिए, पहली बार तो किसी पर विश्वास ही करना पड़ेगा और क्योंकि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि डॉक्टर राजभूषण चौधरी जो कमिटमेंट करता है वो किसी भी स्थिति में पूरा करता है, इसलिए। और मेरा चूँकि जीवन सामाजिक जीवन रहा है, मेरी कभी भी हर हमेशा प्रयास रहेगा कि मैं जो बोलूँ वो उस पर खड़ा उतरूँ। मुजफ्फरपुर की किन समस्याओं को आप उठाएंगे जीतने के बाद? मुजफ्फरपुर में एम्स की स्थापना, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की स्थापना और जो सुदूर देहात के इलाके हैं जहाँ पर चचरी पुल है उस चचरी पुल से निजात दिलाने का काम करूँगा, जहाँ रास्ता गड़बड़ है, रास्ता अच्छा नहीं बना हुआ उसको बेहतर करने का काम करूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है यहाँ पर। बागमती न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, 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 जय भीम। संचालन कर रहे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग किसी भी राजनीतिक संगठन को ऐसे सपोर्ट नहीं करते हैं। और आज का जो चुनाव है, मैंने पहले भी कहा है और कहते रहे हैं कि आज का जो चुनाव है, 2019 का चुनाव है, किसी सांसद का चयन करने का चुनाव को समझते हैं तो मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन है कि यह गलत है। आज का जो चुनाव है वह सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है और देश बचाने का चुनाव है। आज जो भी सांसद खड़े हैं, जिस क्षेत्र में खड़े हैं, भीमानी पूरे देश में इस आवाज़ को उठाया है कि अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और प्रजातंत्र को बचाना है तो आपको इस बार भाजपा को जो भी जहां भी जहां निर्दलीय हरा रहा है वहां निर्दलीय को, जहां अगर कांग्रेस हरा रही है कांग्रेस को, जहां बसपा सपा चाहे जो भी जो बीजेपी को जो नुकसान पहुंचा रहा जो हरा रहा है उसको पूरे भारत में भीम आर्मी मदद कर रही है। उसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के लोकसभा क्षेत्र में हमारे वीआईपी पार्टी हैं, हम लोगों ने पूरे वाच किया, पूरे अपने संगठन प्रखंड अध्यक्ष और जो भी जमीन के लेता है हम लोग सब लोग वाच किए कि अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर अजय निषाद जो कि 25 सालों से इसी एक ही जाते एक ही मतलब घर के लोग यहाँ का नेतृत्व करते रहे हैं, लेकिन वो नेतृत्व किए वो सहनी समाज से आते जरूर है, लेकिन एक भी सहनी समाज का कल्याण नहीं किए, सहनी समाज का नहीं कल्याण किए और ना ही इस जिला का कुछ कल्याण किए, वो अपने परिवार का कल्याण किए हैं। तो मुझे उससे ही बहुत मतलब नहीं पड़ता था कि वो किन का कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुजन के लोग हैं, खुद कमाते और खुद खाते हैं, हम अपने पर विश्वास रखते हैं। लेकिन आज हमारे हक और अधिकार की हकमारी हो रही है, आज हमारे पे जुल्म हो रहा है। पिछले 2014 में रामविलास जी के वजह से अधिकांश दलित समुदाय बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन आप अगर याद कीजिएगा, आप न्यूज़ के माध्यम से आप ही बहुत वाच करते होंगे, अगर सबसे ज़्यादा हकमारी अगर हुई है तो सबसे ज़्यादा दलितों का हुई है, अगर सबसे ज़्यादा रोड पर लड़ा है तो दलितों लड़ा है क्यों, और रामविलास जी सारी जगह पर चुप रहे हैं। इसीलिए हम भीम आर्मी के लोग पूरे तहे दिल से बिना कोई सेवा शर्त के यहाँ पर इस बार मुझे मुजफ्फरपुर लोकसभा में वीआईपी के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद जी को समर्थन देंगे और पूरे जमीनी चट्टानी एकता के साथ हम लोग इनका पूरा
मदद करेंगे और आपको आश्वस्त करा देते हैं 2014 में हम लोग ही वो लोग थे। हम ऐसा नहीं कहते, भूल किया था मैंने, मैं तो बार बार कहता आ रहा हूँ 2014 के बाद, 2015 तक तो ठीक था, 15 के बाद मैं वैसे लोग को ढूंढता नजर आके मैं एक अंगूठा कोई काट ले, यही वो अंगूठा है जो 2014 में कमल का फूल हमारी भूल को साबित कर दिया जो वोट दिया था। लेकिन मैं उस गलती को नहीं दोहराऊंगा और आपको आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ। बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि दलित समाज के लोग बिकाऊ होते हैं, तो मैं उनको समझा दूँ कि दलित कभी बिकाऊ न था, कभी बिके न बिका है न बिकेगा। हाँ, एक मजबूरी जरूर है, मैं पेट का भूखा हूँ, जब किसी का काम करता हूँ मान सम्मान देता हूँ और वही करता रहा, उसको लोग बिका हुआ समझ लेते थे। तो इस बार और मैं पासवान समाज से आता हूँ और भीम आर्मी कोई पासवान या किसी का नहीं है, सारे समझा में जाते हैं। मैं पासवान के बारे में सिर्फ कह देता हूँ, मैंने जमीन स्तर पर काम किया है और भीम आर्मी में पासवान समाज, रविदास समाज, हर लोग के साथ, लेकिन मैं आज आश्वस्त करता हूँ मुजफ्फरपुर के इस धरती से कि पासवान समाज के 90% नहीं 99% लोग अगर वोट आएगा तो पासवान, रामविलास पासवान के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट, नीतीश कुमार के अगेंस्ट और महागठबंधन के सपोर्ट में आएगा। दूसरी मैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, नीतीश जी एक बात बोल के यहाँ पर हम लोग को बहुत बड़ा चुनौती दे दी है भीम आर्मी के लोगों को कि सवर्ण आरक्षण का जो समर्थन नहीं किया है, जो विरोध किया है उसको लोग दिखाएगा। तो मैं आपके माध्यम से इस सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी को कि नीतीश बाबू आपने समर्थन किया है और माननीय तेजस्वी यादव ने विरोध किया है, तो हम दलित के सारे लोग तेजस्वी साहब के साथ हैं और तेजस्वी को जो निर्णय लिया है उनके साथ में हूँ। और आपको बता दूंगा जो आपने समर्थन दिया है, रामविलास जी को बता दूंगा जिन्होंने समर्थन दिया है कि बहुजन के साथ खेलना और सवर्ण के साथ प्यार हो तो दिखाना वो क्या होता है, आपको दिखाऊंगा सवर्ण आरक्षण को लेने का अधिकार क्या होता है, वह बहुजन का लोग, वह पासवान, वह दलित आपको बताएगा और भीम आर्मी पूरे बिहार में बताएगा।